हमारे भारत देश में किसी और स्पोर्ट का कोई क्रेज हो या ना हो, लेकिन क्रिकेट का जो क्रेज है हम भारतीयों में वो अपने चरम सीमा पे है। या यूं कहे तो हम क्रिकेट को छोड़कर किसी और स्पोर्ट्स में उतनी रुचि नहीं रखते हैं। जी हाँ, प्लेयर्स को खेलते देखकर हर कोई उनके जैसा खेलना चाहता है, उनके जैसे सपने देखने लगता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। सब कोई क्रिकेटर बन जाए बिल्कुल आसान नहीं है। आज भले ही भारतीय क्रिकेटर्स लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बचपन में एक वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। आइए जानते हैं दोस्तों एक ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने अपना क्रिकेट खेलने का सपना साकार किया। यूं तो करोड़ों लोग क्रिकेटर्स बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग क्रिकेटर बनते हैं। हाल ही में राजस्थान के डीग जिले के चेतन शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले आगामी सीरीज के लिए अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। चेतन के पिता के पास कभी किराए के मकान में रहने के लिए पैसे नहीं थे। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये कहावत चेतन शर्मा को फिट बैठती है। उनका वक्त बदला, कोशिश रंग लाई और भारतीय टीम में उनका चयन हो गया। और कौन कहता है भक्ति में शक्ति नहीं है। जी हाँ, ऐसी ही शक्ति काम आई है चेतन शर्मा को। दरअसल उनके पिता वृंदावन मंदिर के पुजारी हैं। चेतन शर्मा का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उनके पिता वृंदावन में एक पुजारी हैं। चेतन के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए सवेरे गांव से भरतपुर आने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। भरतपुर आकर वो अपने दोस्त के मंदिर में ठहर कर सुबह ग्राउंड में अभ्यास किए जाते थे। दरअसल चेतन शर्मा को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। गली मोहल्ले में वो अपने साथियों के साथ खूब खेला करते थे। धीरे धीरे चेतन की इस गेम में रुचि बढ़ती गई और फिर भरतपुर के जिला क्रिकेट संघ में उनका ट्रायल हुआ। संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने चेतन को क्रिकेट खेलने के लिए फाइनल कर दिया। चेतन शर्मा के पिता इस पर काफ़ी भावुक हो गए जब उनका क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा ने दिल्ली और जयपुर में अपनी ट्रेनिंग की है। चेतन के सिलेक्शन पर उनके गांव में जश्न मनाया जा रहा है। चेतन के पिता ने बेटे की खास उपलब्धि पर बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो आगे इतना पहुँच पाएगा। हमारे और क्षेत्रवासियों को उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में बताएं जरूर। इसको जितना से ज़्यादा शेयर कर सके आप करिए। धन्यवाद।